व्यूअर्स, कैसे आप लोग सब ठीक ठाक? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज के जो स्पेशलिटी हमारे इस एपिसोड में वो ये है कि आज का जो खाना है वो हमारी बालदा ने बनाया है हमारे कहने पे, क्योंकि ये फेवरेट डिश है मेरी, मंगोजियों का सालन। तो अगर आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब और लाइक तो इस वीडियो पे बनता है। चलें आपको दिखाते हैं मंगोजियों की रेसिपी। जी गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं मंगोजियाँ। तो ये डिश जो है मेरी वालदा बहुत अच्छी बनाती हैं, तो यूनिक रेसिपी है, बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी ट्राई की होगी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मूंग मसूर की दाल हम लोगों ने ली है, ये 1.5 पाव, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है हरा धनिया, छोटी वाली प्याज में 5 अदद, हरी मिर्चें, लहसुन 1.5 पाव, दही, ज़ीरा सफ़ेद 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल पिसी मिर्च 1 चम्मच, और खाने का सोडा बिल्कुल मामूली सा ही, आप देख रहे होंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम है, ये आपने इसमें लेना है। अच्छा, तो गाइस इसकी रेसिपी आपसे अभी शेयर करते हैं, जैसे जैसे ये बनती जाएगी आपसे इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। गाइस हमने इसके अंदर मूंग मसूर की दाल डाल दी, इसके बाद ये हम 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। ये हम बना रहे हैं मंगोजियों का सालन, और ये बन रही है मंगोजियों का जो सामान अभी हम बना रहे हैं, मंगोजियों का बना रहे हैं। इसमें है साबित लहसुन और ज़ीरा, ये हमने भिगो लिया था, ज़ीरा साफ़ कर लिया बिल्कुल मिट्टी वगैरह इसकी, ये इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसमें अभी जाएगा नमक और मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने का मकसद ये है कि हमारी जो मंगोजियाँ हैं वो नरम और फूली फूली बने। तो हमारे पास ये मीठा सोडा है, ये हम डाल रहे हैं। तकरीबन कोई 1 चुटकी से ज़्यादा ले लें आप, बस ज़्यादा नहीं डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालना, हसबे ज़ायका ले लगेंगी आपकी मंगोजियाँ। ये नमक हमने हसबे ज़ायका इसमें डाल दिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी दाल, पिसी हुई मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन, नमक और सोडा ग्राइंड हो रहा है मंगोजियों के लिए। जो इसके शोरबे का सामान होगा वो अलग है, और ये जो मंगोजियों का सामान है वो अलग है। तो गाइस ये हमने मंगोजियों की जो दाल थी मूंग मसूर की, वो हमने पीस ली है। इसमें हमने पिसी हुई मिर्चें मिलाई हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाया है, नमक मिलाया है, और इसके साथ साबित सफ़ेद ज़ीरा धो के मिलाया है, और साबित लहसुन पीस लिया, ये सब मिला के इसको हमने तैयार कर लिया मूंग मसूर की दाल को मंगोजियों के लिए। इसके बाद हम शोरबे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम ये मंगोजियों का सालन बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, उसे हमने काट लिया। ये 2 अदद टमाटर ले लिए हैं जिसे हमने चॉप कर लिया। ये 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी 1 चम्मच है, ये तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, और ये 1.5 चम्मच हल्दी का पाउडर है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हमारे पास फ्रेश पिसा हुआ है, और ये हरा धनिया और हरी मिर्च है जो हम ऊपर से जब हमारा शोरबा पूरा बन जाएगा तो उसमें डालेंगे, और ये दही आपको शुरू में बता दिया गया था, ये दही भी फेंट के सालन में डालेगा। ये शोरबा बनाने की तैयारी हो रही है, तो ये वाला चम्मच वालदा ने हमारी 2.5 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसमें इन्होंने प्याज मिक्स कर दी, ये प्याज मिक्स हो गई इसमें, ये मंगोजियों का शोरबा लग रहा है। तो ये 1-1 चम्मच इन्होंने फ्राई पैन में डालना शुरू कर दिया। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये बन रहा है मंगोजियों का सालन। ये मंगोजियाँ मम्मा ने फ्राई पैन में डाल दी हैं, अब ये बन रही हैं। इसका जो आपने दाल को रखना है, इतना हार्ड रखना है कि ये चम्मच में इजीली उठ जाए, ज़्यादा पतला नहीं करना। और इतने हम कर रहे हैं ये दही इसके लिए, ये मिर्चें मैंने इसमें मिला दी शोरबे के लिए। शोरबे में ये मिर्चें डल गई, ये धनिया डल गया पिसा हुआ, और ये हल्दी डल गई, और ये हसबे जायका नमक डाल रही हैं अम्मा,
और फिर हमने इसको मिला दिया। ये इस तरह से इसको आप अच्छे से मैश कर लें। ये रायते के अंदर ही, दही के अंदर ही सारे मसाले पहले से ही मिला दिए हम लोगों ने। इसको फेंट लें अच्छे से। तो ये अम्मा बना रही हैं हमारी मंगोचियों का सालन, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनाती हैं, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। ये प्याज ब्राउन करने के बाद अम्मा ने इसमें लहसुन मिला दिया है, जो लहसुन का पेस्ट था हमारे पास, लहसुन अदरक का। ये इसका शोरबा लग रहा है मंगोचियों का। ये वही ऑयल है जिसमें प्याज अभी थोड़ी देर पहले ब्राउन हुई थी। ये चला गया दही, जो हमने सारे मसाले डाल के फेंट दिए था, और ये चला गया है अदरक लहसुन के पेस्ट में। नाज़रीन, जो रेसिपी है वो 110% मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बड़ी वीडियो बना के, अगर ये फॉलो नहीं हुई तो समझ लें आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको रेसिपी 110% फॉलो करनी है। ये ऑयल, दही, मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो गाइस, ये मंगोची हमारी फर्स्ट राउंड उतर गया है चूल्हे पे से, और ये प्याज जो हमने ब्राउन की थी और टमाटर दो अदद, ये हमने ग्राइंड कर लिए हैं, और ये मिला देंगे हम दही के साथ शोरबे के लिए। तो गाइस, ये टमाटर और जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो भी हमने दही के साथ मिला दी है शोरबे के लिए। जी गाइस, ये अम्मा ने जब इसमें रोगन आया तो इसमें शोरबा लगा दिया इन्होंने। ये बन रहा है मंगोचियों का सालन। और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी इन्होंने। और ये गरम मसाला इन्होंने डाल दिया है इसके अंदर। ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। अब खत की आने का इंतजार करेंगे। तो गाइस, ये जीरे का भगाल लगाने जा रही हैं अम्मा शोरबे के अंदर। ये जीरा इन्होंने भगाल लगा दिया है, और ये मंगोचियां भी इसमें ऐड हो रही हैं। आप देख सकते हैं सालन के अंदर सबसे लास्ट में ये मंगोची ऐड हुई, और फिर ये जीरे का भगाल लग गया। वाओ, डिलीशियस, खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। वाओ, और ये फाइनल लुक इसकी आ गई है सालन की। अब आपको सर्व करके इसको दिखाते हैं। गाइस, ये सालन हमारा तैयार हो चुका। खत्की आने का इंतजार था, खत्की आ चुकी है। अम्मा ये चख रही हैं, चख के आपको बता रही हैं कैसा बना है, और ये सर्व कर रही हैं अम्मा इसको। गाइस, ये इसकी फाइनल लुक आ चुकी है सालन की। मंगोचियों का सालन तैयार हो चुका। तो अब आप, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।